गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है आपके पास में, क्यूब नंबर की बात करें। वैसे तो देखो क्यूब वर्ड है, जो वर्ड है ये एक ज्योमेट्रिकल यूज के लिए किया जाता है ये क्यूब, जिसमें आप लोग कोई भी नंबर, कोई भी जैसे क्यूब में वॉल्यूम निकलता है और वॉल्यूम में जब उसकी यूनिट लगाते हो आप लोग, तो वहां पे उसकी यूनिट में क्यूब आता है, क्यूब मतलब उसकी पावर 3 हो जाती है आपके पास में। इसी प्रकार आपको क्यूब को डिनोट करना है, तो क्यूब आप लोग सोल्व करोगे तो क्यूब के लिए आपको क्या करना है, इसमें किसी भी नंबर का क्यूब नंबर बनाना है उसको, तो जिस नंबर को आप क्यूब नंबर बनाना चाह रहे हो जिस नंबर का, उसको उसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपस में। जैसे मान लो आपने 2 का बनाया है, 2 का क्यूब किया, तो 2 का क्यूब जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना जाएगा 8। इसी प्रकार आप 3 का बना लो 27, 4 का करोगे आप लोग 64, 5 का कर दो 125, 6 का कर दो 216, 7 का कर दो 343, 8 का कर दो 9 का कर दो 10 का, और 1 का करोगे आप लोग तो 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इधर जान दो, आप लोग कुछ नंबर्स में वैसे भी देखेंगे जो एक स्क्वायर नंबर भी था, जैसे 64 आया आपके पास में, ये क्यूब नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। तो ये यदि आपसे पूछा जाए कि ये स्क्वायर किसका है, तो ये 8 का स्क्वायर है, और क्यूब की बात की जाए तो क्यूब किसका है, ये 4 का क्यूब है। इसी प्रकार 729 जो दे रखा आपके पास में, ये भी एक आपके पास में एक स्क्वायर नंबर है और ये एक क्यूब नंबर भी है। क्यूब की बात की जाए तो ये 9 का क्यूब है, और स्क्वायर की बात की जाए ये तो ये 27 का एक स्क्वायर नंबर है। इसी प्रकार आप लोग 11 का, 12 का, 10 तक की बात करूं मैं यहां पर, आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक देखो, आप 10 भी छोड़ो, आप 9 तक देखो। अब आप लोग जब आप 1 का क्यूब करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है उसका, यूनिट डिजिट भी आ रही है 1, और 2 का करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपके पास में 8, 3 का कर रहे हो आप लोग तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपके पास में 7, 4 का कर रहे हो आप लोग तो यूनिट डिजिट 4, 5 का कर रहे हो आप इसी प्रकार तो 5 में यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, 6 का करते हो तो 6, 7 का करते हो आप लोग तो 3, और 8 का करते हो तब 2, और 9 का करते हो तब 9। तो इधर जान दो आप लोग, यहाँ पे जब 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा, यानी कि आपके पास में यदि एक स्क्वायर रूट की बात, सॉरी क्यूब रूट की बात, क्यूब नंबर की बात की जाएगी तो उसमें यूनिट डिजिट 1 होगी, 2 के में 8 होगी। तो इसी प्रकार देखो 8 में और 2 में देखो आप लोग, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यूनिट डिजिट का मतलब होगा इकाई का अंक, ठीक, ये यूनिट डिजिट आपके पास में। तो 8 का जब क्यूब करते हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है 2, और इसी प्रकार 2 का करते हो तो क्या आती है 8, और बाकी की सभी में देखो 7 के में और 3 के में भी ऐसे ही आपके पास में, जब 3 का करते हो तो 7 आ रही है, और 7 का करते हो तब 3, बाकी की सभी एज इट इज है। 1 का करते हो तो 1 ही आती है, 4 का करते हो तो 4 आती है, 5 का करते हो 5 आती है, 6 का करते हो 6 आती है, और 9 का करते हो तो 9 ही आएगी। इसी प्रकार यदि आपके पास में यहाँ पे 14 की बात की जाए, 14 का क्यूब किया जाए आपके पास में, तो इस 14 में देखो 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, और 4 का अपन को पता है यूनिट डिजिट में क्यूब करते हैं तो भी यूनिट डिजिट क्या आती है 4, तो इसका भी जो लास्ट का डिजिट होगा वो 4 ही होगा। इसी प्रकार 15 की बात की जाए तो 15 में क्यूब नंबर देखोगे आप लोग तो 15 में यूनिट डिजिट क्या है
5 और इसके क्यूब में भी करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 5, तो इसका आ जाएगा। इसी प्रकार 16 का करोगे तो ये एक 4096 एक स्क्वायर नंबर भी है। ये स्क्वायर नंबर किसका है ये आपको पता करना है। ये आप एक होमवर्क के लिए मिल गया आपको टॉपिक, इसमें आप इसको सोल्व करके देखना, प्राइम फैक्टर मेथड से पता करना। यदि पता है तो डायरेक्ट बता सकते हो आपकी ये किसका स्क्वायर नंबर है आपके पास में। इसी प्रकार 17 का हो जाएगा आपके पास में, 18 का, 19 की बात करूं मैं और 20 तक। मैंने यह आपको क्यूब नंबर लिख दिया है, ये क्यूब नंबर आपको 20 तक तो इसी से याद होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं अपन कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो उसको परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपके पास में दो मेथड होंगे। इसको पहले तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करोगे और प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करने के बाद में यदि आपको बोला जाए कि इस नंबर को किस स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए, या इसको किस स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, इसी प्रकार आप फाइंड आउट करोगे। तो देखते हैं अपन कैसे कोई एक अपन नंबर लेते हैं और उनको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 128, तो 128 है ये आपके पास में एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये आपके पास में एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, तो इसको आप को परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, किस स्मॉलेस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इसको आप प्राइम फैक्टर मेथड से सोल्व करोगे, तो उसका जो प्राइम फैक्टर करोगे आप लोग तो वही इवन डिजिट है, यूनिट डिजिट तो 2 से डिवाइड करोगे, ये 6 टाइम और ये 4 टाइम, फिर 2 से 32, फिर 2 से करोगे 16 टाइम जाएगा, फिर 2 से करोगे 8 टाइम, फिर 2 से करोगे डिवाइड तो 4 टाइम, फिर 2 से करोगे 2 टाइम, फिर 2 से करोगे 1 टाइम। इसमें आपको प्राइम फैक्टर मेथड से करने के बाद में इसको ये आपने 128 का प्राइम फैक्टर कर दिया। प्राइम फैक्टर करने के बाद में आपको इसमें ट्रिपलेट बनाने हैं। जैसे क्यूब में क्या कर रहे थे, सॉरी स्क्वायर में क्या कर रहे थे, आप पेयर बना रहे थे, दो दो नंबरों का, दो दो अंक सेम हो उनका पेयर बना रहे थे। इसमें क्या करोगे आप तीन तीन नंबरों का पेयर ट्रिपलेट बनाओगे, यानी कि तीन डिजिट जो तीन नंबर है वो दोनों तीनों नंबर सेम होने चाहिए। तो इसी प्रकार देखे अपन, तो यहां एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। अब ये यहां पर पेयर नहीं बना, आगे यहां पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा इसका, तो उसको ट्रिपलेट बनाने के लिए कितने टू की कम जरूरत पड़ रही है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर कितने टू चाहिए आपको, दो टू चाहिए, क्योंकि आपके पास में सिंगल एक और टू लेते तो भी आपके पास ट्रिपलेट तो होगा नहीं, तब वो क्या हो जाएगा आपके पास में पेयर बनेगा। इसलिए आप इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू टाइम टू से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये टू तो है और इसको एक और टू से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि किससे मल्टीप्लाई किया, टू मल्टीप्लाई टू यानी कि फोर से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास में एक परफेक्ट स्क्वायर सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। करके देख लो, 4 8 जा 32, फिर 4 2 जा 8, 8 और 3 11, फिर 4 1 जा 4 और 1 कैरी वाला 5, और आपने अभी जो मैंने लिखा था इसमें 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर था, जो किसका था, वो था 8 का था आपके पास में। इसी प्रकार आपको और नंबर दिए जाते हैं उनको सोल्व करना है, 108
100 दे दिया मैंने। इसी प्रकार दे दिया, इसी प्रकार 24, ये कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन एग्जाम्पल्स को आप घर पे बैठ के सोल्व करना। ओके, आई होप आपको आप आज की क्लास समझ में आई होगी। अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से डिवाइड करने का कि कैसे आप जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे डिवाइड करोगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ओके, थैंक यू।